मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज शबे बारात की रात है। मुस्लिम समुदाय पूरी रात मस्जिद और घरों में इबादत करते हैं, साथ ही कब्रिस्तान जाकर अपनों की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं और उनके मगफिरत के लिए दुआ मांगते हैं। मुमरा कौसा में शाम से ही बड़ी संख्या में अमृत नगर कब्रिस्तान और एमएमवली कब्रिस्तान और कौसा कब्रिस्तान में लोग दुआ मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। कब्रिस्तान के ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि रात के समय बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इसलिए ज़रूरी इंतजाम भी किए गए हैं। रास्तों पर वॉलंटियर भी खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई घटना या फिर ट्रैफिक जाम की स्थिति ना पैदा हो। कब्रिस्तान के ट्रस्टी वसीम सैयद और मुनाफ सिद्दीकी ने क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये अल्लाह के फजल से शबे बारात के मौके पर बाबा फखर के आस्थाने पे लाखों जायरीन आते हैं और वॉलंटियर्स का तो ऐसा है कि जमात से जुड़े हुए हर लोग जो है वो यहाँ पर आके अपनी खिदमत देते हैं। एक साल भर का प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है सिर्फ एक दिन में होता है। हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं। जैसे आज शबे बारात का मौका था, जमीयत मुस्लिमीन ने अपने सभी लोग जो भी हैं, अभी इसके अंदर किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं आएगा, उनके साथ मिलकर के कब्रिस्तान की साफ सफाई हुई, दरगाह के अहाते की, बाबा फखर के दरगाह के अहाते की साफ सफाई हुई, मस्जिद की साफ सफाई हुई, आसपास के इलाके में आज यहाँ पर देखेंगे आप ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके से। तो सब लोग मुनाफ भाई खुद यहाँ पर दो दिन से है। फहद जो है वो पूरी रात जागने के बाद सुबह 12:30 बजे तक 1:30 बजे तक के शहरी पे थे। ऐसा हर कोई जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और अब यहाँ पर जो आहिस्ता आहिस्ते रात तक के कई लाख लोग यहाँ पर आएंगे। हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि यहाँ का जो निज़ाम है, यहाँ पे जो आप जिस तरीके से हमेशा से बाबा फखर की मोहब्बत के अंदर और जमीयत मुस्लिमीन के तमाम अहदेदारान और कार्यकर्ताओं के साथ, कारिंदों के साथ मिल करके जो कोऑपरेशन करते हैं, इस बार भी करें। यहाँ पर भी जितने अच्छे तरीके से साफ सफाई का निज़ाम किया गया, देखिए आप कितना प्यारा खूबसूरत आस्थाना सजाया गया है, आसपास के इलाकों में रोशनी की गई है, यहाँ पर आपके लिए हर वो मुमकिन सहूलत पहुँचाने की कोशिश की गई है जो यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल, देखिए आज होली का दिन है, आसपास के इलाके के अंदर हिंदू जायरीन भी आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा यकजहती का माहौल है। आप सब आए यहाँ पर, इस माहौल के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा कसरत से दूर पाक के नजर में पेश करें, अपने मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए करें, बाबा फखर के आस्थाने पे हाजिर दें और यहाँ पर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। कैसा है ये शबे बारात जो है ना, ये बहुत खास रात है और काफी लोग दूर दूर से अपने मरहूमिन जो हैं जो कब्रिस्तान में दफन है उनके लिए आके फातिहा देते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं, अपने अहलो अहल के लिए दुआएं करते हैं, बाबा फखर के पास में आते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और इंतज़ाम सारा जो होता है यहाँ पे ये सब जमीयत मुस्लिमीन करती है। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 8-3 महीने से कंटिन्यू काम चल रहा है, कब्रिस्तान की सफाई का, अंदर आने जाने के निज़ाम का। मस्जिद में लाखों लोग आए हुए हैं, पूरा आस्थाना भरा हुआ है, दरगाह का आस्थाना भरा हुआ है, उनके पूरे जितने भी इंतज़ाम कमेटी है हमारी है वो पूरा काम करती है, सारा काम लाइट सफाई बंदोबस्त वॉलंटियर सब जमीयत मुस्लिमीन के हाथ से होता है। सदारत है जो नईम खान साहब, वो पहले मीटिंग लेके सबको काम तकसीम कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग आ सके आइए। बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा हुआ है, कहीं गर्दी नहीं होगी, कहीं भी कोई और चीज़ एंटी सोशल एलिमेंट वाला काम नहीं होगा, सब अल्लाह के फजल करम से अच्छे से अच्छा करती बार होगा।